कमलनाथ सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट बढ़ाकर जनता के साथ धोखा किया है, ये आरोप है जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह के। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 5% वैट टैक्स बढ़ाकर प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, ये आरोप है जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह के। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार मोदी के तर्ज पर काम कर रही है। आज जैसा कि अखबारों से ज्ञात हुआ, चैनलों के माध्यम से, कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने डीजल पेट्रोल पर 5% वैट टैक्स बढ़ा दिया है, जिसमें पेट्रोल के रेट 2.91 रुपये और डीजल के रेट 2.86 रुपये बढ़ोतरी की गई है, जिससे 800 से 1,000 करोड़ रुपए का सरकार को फायदा हो रहा है। इसी तरह जुलाई माह में प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपये डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए गए थे। पूरी तरह से जिस तरह मोदी सरकार ने अभी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके जजिया कर वसूलने का काम किया, वही मध्य प्रदेश सरकार की काम कर रही है। और जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने दलील दिया कि ये जो वैट टैक्स बढ़ाया गया है, ये मध्य प्रदेश के आधे जिलों में काफ़ी बाढ़ आई है, लोग प्रभावित हुए, तो मेरा आरोप है आधे जिले तो सूखे प्रभावित हैं, तो इसलिए आप किसान की, आम जनता की जेब काटने का क्यों काम कर रहे हैं, मेरा बड़ा आरोप है। आप तो घोषणा वीर सीएम हो गए हो, लगातार आप घोषणा कर रहे हो, आज तक किसान के कर्ज माफ नहीं हुए, ऊपर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर आप जेब काटने का कार्य कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है।